आप इफ्तार से जो संदेश देते हैं वोट की राजनीति के लिए, हिंदू धर्म का जो नवरात्रा होता है, पर्व त्योहार होता है, उस पर क्यों नहीं इफ्तार होता है और हजार वर्ष की गुलामी को बढ़ाने में आनंद महसूस होता है। बिहार की जनता और देश की जनता सब देख रही है, इसका जवाब देगा। नमस्कार, मैं आराम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। जदयू के तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से बिहार के नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के विजय सिन्हा ने जमकर निशाना साधा है। कहा कि इफ्तार के नाम पर इफ्तार तो आप दे रहे हैं, मुसलमानों को इफ्तार दे रहे हैं, लेकिन जब हिंदुओं का पर्व होता है तो क्यों नहीं बोझ बात करते हैं, क्यों नहीं उन लोगों के लिए उपाय करते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों के साथ राजनीति करते हैं, हमें तमाम समुदायों का इज्जत करने का हक है, लेकिन आप जिस तरीके से करते हैं हिंदुओं के लिए क्यों नहीं होता है, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। पूरा बयान सुने आप। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। हमने पहले भी कहा कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा को हो, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, सबका विकास की जिम्मेवारी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए सरकार में हो, शासन में हो या प्रशासन में हो, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र को गुलाम बना देगा। मानसिक तौर पर ये कहीं न कहीं तुष्टीकरण के खेल में अपनी सत्ता को प्राप्त करने के चक्कर में राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म का जो नवरात्रा होता है, पर्व त्योहार होता है, उस पर क्यों नहीं इफ्तार होता है, उस पर क्यों नहीं भोज और आप पूजा और प्रसाद का वितरण होता है। आप इफ्तार करते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन समान भाव क्यों नहीं है? बहुसंख्यकों को अपमान करके आप अपने राजनीति और सत्ता के लिए समाज के अंदर नफरत घृणा पैदा करेंगे, जिसकी परिणति बिहार शरीफ और सासाराम है, और झूठे मुकदमों में आप फंसा रहे हैं। किसी के घर में कोई गोली रख दे रहे हैं, किसी के घर में कोई सामान रख दे रहे हैं ताकि उसको जेल हम भेज सकें, इसका न्यायिक जांच हो सिटिंग जज से। ये वातावरण बदलिए। आप इफ्तार से जो संदेश देते हैं वोट की राजनीति के लिए, ये समाज को नफरत करता है। क्यों नहीं नवरात्रा अभी बीता, क्यों नहीं एक दिन नवरात्रा का प्रसाद का वितरण करवाए? लज्जा लगती है अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने में, अपने धर्म पर गर्व करने में लज्जा लगती है, और हजार वर्ष की गुलामी को बढ़ाने में आनंद महसूस होता है। बिहार की जनता और देश की जनता सब देख रही है, इसका जवाब देगा। तो आपने साफ सुना किस तरीके से विजय सिन्हा का कहना है कि जब हिंदुओं का पर्व होता है तो उस समय क्यों नहीं उनके लिए अलग से आप पूजा पाठ कराते हैं, प्रसाद का जो है वो बंटवाते हैं, प्रसाद लोगों को देते हैं, लेकिन जब इफ्तार का बात आता है तो आप ज़रूर इफ्तार पार्टी मनाने लगते हैं। आप बनाएं लेकिन तमाम समुदायों को एक साथ लेकर चले। वहीं यह भी कहते चले गए कि आप ही लोगों के घर में गोली, बंदूक, पिस्तौल रख देते हैं ताकि उन्हें फंसाया जाए, आप जानबूझ के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जदयू पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। अब देखना है कि आने वाले समय में यह इफ्तार कितने रंग लाती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।